टैरोट रीडिंग का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो डायरेक्ट नहीं है। टैरोट में हम पिक्चर और कलर्स को समझकर प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे एंसेक्टर्स शगुन शास्त्र, यानी चूंकि हमारे एंसेक्टर्स नेचर से कनेक्टेड थे तो वो नेचर के कुछ साइन समझकर प्रेडिक्शन करते थे। जैसे पुराने समय में कहा गया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप आगे ना बढ़िए। ये बात आज हमें अनसाइंटिफिक लग सकती है, अनलॉजिकल लग सकती है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस जमाने में यात्राएं जो कि घने जंगलों से होती थी, कोई पक्की सड़कें या बड़े बड़े हाईवे नहीं होते थे, कोई सुरक्षा का साधन नहीं होता था, लोगों को पैदल यात्रा करनी होती थी। तो यदि जंगल में एक बिल्ली आपको भागते हुए आपके सामने से निकल जाए तो आप क्या समझेंगे? बिल्ली एक शांत जानवर है, बिना किसी बात के तो दौड़ता नहीं है। आपने कभी सड़कों पर बिल्ली को दौड़ते भागते नहीं देखा होगा। तो एक घने जंगल से अगर बिल्ली दौड़ती आ रही है तो उसका एक क्या रीजन हो सकता है कि उसके पीछे कोई बड़ा जानवर पड़ा हो, तो वो बड़ा जानवर आपका भी शिकार कर सकता है। तो ये साइंटिफिक चीज तो नहीं है लेकिन लॉजिकल है। तो हर चीज को देश काल और परिस्थिति के अनुसार समझा जाता है। तो टैरोट रीडिंग में भी हम पिक्चर को और कलर्स को समझकर, क्लाइंट की सिचुएशन को समझकर उसको एनालिसिस करके बताते हैं। धन्यवाद।